हेलो प्लस वन क्लास बच्चों, थोड़ी जानकारी लिए दस दें कि तुसी पंजाबी दियाँ जो किताबा अपनी इस प्लस वन दे विच पढ़न जा रहे हो वो पंजाब बोर्ड द्वारा पब्लिश की गई किताबा होणगियां, क्योंकि CBSE ने इस बार ये फैसला लिया है कि सारिया ही रीजनल लैंग्वेजेस जो है उन्होंने लिए जो सिलेबस है वो उत्थों दे स्टेट बोर्ड का होगा। तो बच्चों तुहाडी पंजाबी लाजमी पंजाबी का एक विशा अज जिहड़ा है मैं तुहानूं वीडियो के तौर पर भेज रही हूँ, वह है दफ्तरी शब्दावली। बच्चों इस पार्ट दे विच उन्होंने रोज़मर्रा की जिंदगी विच दफ्तरां दे विच वरते जाण वाले कुछ शब्दों की अंग्रेजी ते पंजाबी लई है। वह लिखते हैं कि भावें तुसीं एक दफ्तर दे विच एक अधिकारी जां कर्मचारी दे रूप विच काम ना भी करो, पर एक नागरिक के तौर पर तुहानूं दफ्तरी शब्दावली का जिहड़ा ज्ञान है जरूर होना चाहिए है, ठीक है। तो दूसरी गल यह है कि अंग्रेजी के शब्द तुहाडे शब्द भंडार विच वाधा भी करनगे। बच्चो एक्चुअली यह है कि पंजाब बोर्ड के बच्चे क्योंकि पंजाबी ही पढ़ रहे होंगे ने तो अंग्रेजी के यहोजे शब्दों का ज्ञान उन्हां वास्ते जरूरी होंदा, क्योंकि दफ्तर के शब्द एज इट इज़ अंग्रेजी के वरते जाते हैं, पर क्योंकि तुसीं अंग्रेजी मीडियम के नाल जड़ा है अपनी स्टडी कर रहे हो पढ़ रहे हो तो हो सकता है तुहाडे लिए अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द जाने पछाने हो बच्चों वधिया सगा तुहाडे लिए पांच नंबर का यह पार्ट बहुत सौखा हो जाएगा। पर इहदे विच इह है कि तुसी भी कुछ नवा सीख सकते हो सकता है तुहानूं शब्द अंग्रेजी दे विच तां पता होण पर पंजाबी दे विच ना पता होण, तां पंजाब दे वासी होण दे नाते तुहानूं पंजाबी दे विच भी पता होना चाहिए है, और अंग्रेजी क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज है तो अंग्रेजी दे विच भी तुहानूं उन्हां शब्दों के बारे जानकारी होनी चाहिए जो कि रोज़मर्रा की जिंदगी दे विच दफ्तर दे विच वरते जाते हैं। बहुत थोड़े जे शब्द बच्चे अज मैं लैके तुहाडे अगे हाज़र हाँ। तो पहला सब तो पहला जिहड़ा इहदे विच शब्द है अटेंडेंस, रूटीन तुसी वरतदे हो हाज़री। हुण पंजाब बोर्ड के बच्चों लिए शायद घट वरत्या जाने वाला शब्द होवे क्योंकि उन्होंने अक्सर ही यहोजे शब्द वरते जाते हैं हाज़री रजिस्टर या बच्चों की हाज़री लगा ली, अपने तक कहती अटेंडेंस रजिस्टर है या थोड़ी अटेंडेंस हो गई तो ये थोड़े लिए बड़ा कॉमन जिहा शब्द है। नैक्सट है अटेंशन इज़ इनवाइटड, मतलब जो तुसी कोई दफ्तरी काम करवाना है या कोई अर्जी लिखनी है वो रिलेटड कोई रिक्वेस्ट लिखनी है तो या कुछ ड्राफ्टिंग करनी है तो ये शब्दों का मतलब होंगे कि ध्यान दवाया जाता है, अटेंशन इज़ इनवाइटड कि असी तुहाडी अटेंशन चाहते हैं इस पासे तुहाडा ध्यान चाहते हैं। नैक्सट है बच्चों अक्शन, अक्शन मतलब नीलामी। बहुत वारी कोई चीज़ा जिहड़ियां ने तुसी शायद फिल्मों के नहीं जरूर यह सीन देखा होना कि एक मिनीम अमाउंट रख ली जाती है, लोग इकट्ठे होंगे ने, ये बोली लगती है, हरेक इंसान उस दे अपने लिए उस वस्तु लई कीमत जो अदा कर सकता है वह बोलता है, तो कोई होर चाहवान हो उस तो वध के बोली देना उन्होंने कहा जाता है, तो अखीर वो वस्तु नीलाम हो जाती है जो वध तो वध बोली किसी वस्तु की लगाता है, अक्शन नीलामी। नैक्सट है अवेलेबल, बहुत सिंपल है तुहाडे लिए उपलब्ध, जो चीज़ साढ़े को उपलब्ध है साढ़े को हाज़र है। नैक्सट है एडिशनल, एडिशनल मीनस वाधू या अतिरिक्त, ठीक है। आप कहते हैं कि ये जो सबजैक्ट है मैं एडिशनल लिया है, लाइक तुसी हुण प्लस वन दे विच नॉन मैडिकल की जो गल करिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहे होंगे तो बच्चे बायो रख लेंगे एडिशनल, या बायो पढ़ रहे होंगे मैथ्स रख लेंगे एडिशनल वाधू। नैक्सट है अटैसटेशन, तस्दीक करना या प्रमाण देना, जे तुहाडा वाह पिया होवे कदे कचहरिया कोर्ट तहसीलों के बहुत सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अटैसट करवाए होने, कोई टैसट वगैरह भरते हो या होर है, अजकल सैल्फ अटैसटेशन का रवाज है कि असं आप ही अपना नाम लिख के अटैसट कर दें कि हाँ मेरे डॉक्यूमेंट्स है और इन्हों जो ये जेन्यून है जो भी है वो सही है, ठीक है। अटैसटेशन तस्दीक करना, अटैसट करना, अटैसटड कॉपी मीनस तस्दीक की हुई कॉपी अटैसटेशन के नाल ही संबंधित है, जिदे विच किसी खास अटैसटेशन अथॉरिटी के साइन होंगे स्टैंप होंगे असं कहने कि अटैसटड कॉपी है। अटैसट करना मतलब है वो दसता है कि तुहाडी वह कॉपी जिहड़ी है जेरोक्स है जो वह जेन्युइन है। नैक्सट है एट योर अर्लीएसट कन्वीनियंस, जदों असी किसी नूं कोई काम छेती करन लई कहना होवे तां असीं उहनूं बड़े हंबल वे नाल कहने आ, बड़े निर्माण हो के कहने आ एट योर अर्लीएसट जिन्नी छेती हो सके, कन्वीनियंस मतलब संभव तुहाडी सहूलत मुताबिक जिन्नी छेती हो सकता, असीं ऑर्डर नहीं करते हैगे कि छेती छेती होवे, असीं कहने आ कि जिन्नी क छेती तुहाडी तुहानूं कन्वीनियंट फील हुंदा है जिन्नी छेती तुसीं कर सकते हो।
नैक्सट है ऑडिट। ऑडिट मतलब लेखा पड़ताल किसी फर्म का, किसी इंस्टीट्यूशन का पैसे नाल संबंधित जो हिसाब किताब है ऑडिट उन्हों क्या जाता है। नैक्सट है अथॉरिटीज़, अधिकारी या वर्ग। हरेक इंस्टीट्यूट दे विच, हरेक दफ्तर दे विच, हरेक संस्था दे विच कुछ अधिकारी होंदे ने जो उन्हों चला रहे होंदे आप कहने अथॉरिटीज़ है। वो बैलेंस मतलब बाकी बकाया, तुसी कोई रकम कोई राशि पे की अदा की कुछ उन्होंने वापस करना सी नहीं किया आप कहने कि इन्ना बैलेंस है, जब तुसी पूरी रकम पे नहीं की कुछ पैसे रह गए आप कहने कि इन्नी राशि बकाया है। बेस्ड ऑन फैक्ट्स, जो कोई रिपोर्ट पेश कर रहे हो तुसी कहने कि तथ्यों पर आधारित है। तथ्य मीन सच, फैक्ट्स से बेस है। दफ्तरी काम जो भी किए जाते हैं तथ्यों पर आधारित ही किए जाते हैं। लाइक जो मैं कहनी कि मेरे स्कूल इन्ने बच्चे पढ़ते हैं तो उन्होंने इन्या फर्स्ट डिविजन आई है। मैं नाल उत्थे मैनशन कराँगी कि बेस्ड ऑन फैक्ट्स कि मैं अपने मनों नहीं बना रही सच्चाई है। बेसिक पे बच्चे मूल तनखा मूल वेतन, दफ्तर के एम्पलॉयज़ की एक बेसिक पे होंगी है और उस हिसाब न उन्होंने इंक्रीमेंट वगैरह मिलते हैं, इनक्रीज़ होंगी है उन्होंने सैलरी। नैक्सट है बाई एनुअल, मतलब साल में जो चीज़ दो बारी होंगी है बाई एनुअल। नैक्सट है बिल, या बिल का मतलब बिल बीचक किसी चीज़ की पेमेंट के बारे जिते दसया जाता है। बोथ डेज इनकलूसिव, दोहां दिनों दे समेत इनकलूडिंग बोथ द डेज मतलब ठीक है। तो नैक्सट साढ़े को है ब्रांच शाखा, जे डी ए वी का एक होर अपा डी ए वी पब्लिक का एक जूनियर का एक स्कूल एक अलग थान पर खोली असं कहे साढ़े ही स्कूली एक ब्रांच है ठीक है, जड़ा कि किसी संबंधित होवे मेन दफ्तर के नाल। आप कहने स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का मेन जड़ा है बैंक इतने है, तो ब्रांचेस इतने इतने ने। इस तरह ब्रिंग टू नोटिस मीनस ध्यान दवाना, इट इज़ टू ब्रिंग टू योर नोटिस आप कहने थोड़े ध्यान में लिया जाता है। ब्रॉड फॉरवर्ड मीनस अगे लियाना, किसी चीज़ में असी फॉरवर्ड करने हैं, कोई लैटर है एप्लीकेशन है कुछ हो रहा है। नैक्सट है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मीनस हिसाब किताब या गिनती, तुहानू पता ही है। कैपिटल मतलब पूंजी सरमाया ठीक है, हालांकि एक होंगे कैपिटल राजधानी एस एस टी के मतलब राजधानी होंगे है, पर जो असी मासी या पैसे दे लैन देन की गल करते हैं तो कैपिटल का मतलब होंगे है। हालांकि एस एस टी के भी कैपिटल तो कैपीटलिज्म कैपीटलिस्ट ये शब्द तुम वरतते हो, पूंजी पूंजीपति ठीक है। नैक्सट है बच्चों कैश बुक, जिदे पैसे का लैन देन का हिसाब किताब रखा जाता है, रोकड़ वही वही खाता। अगला है बच्चों कैशियर, कैशियर मीनस जो कैश का हिसाब किताब रखता है खजानची। नैक्सट है कैश मैमो, नकद रसीद जिदे मैनशन किया जाता है कि इन्ना नकद जड़ा है रिसीव कर लिया गया है। नैक्सट है बच्चों कैजुअल लीव, अचानक जदों कोई काम पै जाता है असी छुट्टी लैने सी लीव, शॉर्ट के कह दिता जाता है सी लीव या कैजुअल लीव, अचनचेती छुट्टी या इतफाकिया छुट्टी। अगला है बच्चों कैटेलॉग, कैटेलॉग यानी सूची पत्र, किसी चीज़ नू डिटेल्स लाइक लाइब्रेरी जाओ तो उत्ते तुहानू कैटेलॉग मिलणगे जिते लिखा होएगा कि कि बुक कित्थे है, किहड़ी अलमीरा दे विच है, किन्ना नंबर है, किहड़े राइटर दी है वगैरह वगैरह डिटेल्स है। नैक्सट है कैटेगरी, श्रेणी या वर्ग आप कहते जनरल कैटेगरी संबंधित है या किस तरह है। चैक्ड एंड फाउंड करैक्ट, जो कोई कुछ अटैसट करता है कुछ चैक करता है तो लिखता है, कोई ऑडिट करने जाता है या तो वह देख वह दसद कि मैं ये चीज़ा फिजिकली एग्जामिन कीतिया ने तो मैं पाया कि सारिया ठीक ने तो फिर वो लिखता है चैक्ड एंड फाउंड करैक्ट। नैक्सट है बच्चे सर्कूलर, तो दफ्तर के अधिकारियों या जिवें स्कूल के अध्यापकों कोई इंस्ट्रक्शन देनिया ने तो एक रजिस्टर के उत्ते लिख दिता जाता है, टाइप कर दिता जाता है, सब दे साइन कराए जाते, तुम देखते हो गए हॉलीडे अनाउंस होंगी है या कोई ड्यूटीज़ लगदिया ने तो अस कहने सर्कूलर कढ़िया गया जिहड़ा कि सारे को जाता है, सर्कुलेट किया जाता है जिहड़ा जिहदे सारे अधिकारी या इंपलॉयज़ साइन करते हैं कि हाँ सानू इनफॉर्मेशन मिल गई। नैक्सट है बच्चों क्लेम, क्लेम करना यानी कि दावा करना। और लास्ट साढ़े को है क्लैरिकल एरर, लिखाई भुल, लिखण वेले हो गई गलती या दफ्तरी उकाई। तो बच्चों ये कुछ शब्द ने जिहड़े कि तुहानू याद करने चाहिए और इहोजे थोड़े थोड़े शब्द लैके मैं अलग अलग वीडियोज़ के नाल तुहाडे कोल हाज़र रहांगी। ये जिहड़े बच्चों शब्द ने ये तुहानू पांच नंबर दे आउणे आ, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन फॉर्म च आणगे, एक एक नंबर के पांच क्वेश्चन,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ, ਡਾਊਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੂਮ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।